रक्षा मत सूचना आज का काव्य आज भेजा सभी लोग हमारे पीछे पांचवी काव्य के पंक्तियों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। शब्द शाह तो हम तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवृत्त कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवृत्त प्रवृत्त ये शब्द ठीक से बोलिए, हल्के से ना छोड़िए। प्रवृत्त कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् कहीं कहीं मृगों भी मिलता है पाठ, मृगों भी पढ़ते हैं, किंतु मृगों की जगह मृगी ही ठीक है। वही पाठ अर्थ के अनुसार जस्ता है वो हम आपके लिए अर्थ के समय बताएंगे। तो क्या पढ़ेंगे? मृगी प्रीत्यात्मवीर्यम अभिचाय मृगी मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश प्रीत्यात्मवीर्यमविचाय मृगी मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरल काव्य है। अब हम इसके अर्थ को भी सुन लें। सोहम ये मावलंदी आचार्य के द्वारा रचित ध्यान सूत्रों में से एक सूत्र भी है, किंतु इसका अर्थ बहुत और उसके आगे एक विसर्ग सह प्लस अहम सह प्लस
प्लस अहम, स अहम, ये दोनों जुड़ गए तो बन गया सोहम। सोहम ये एक शब्द नहीं है, दो शब्द मिलकर के बना हुआ है। तो क्या बना? स प्लस अहम। स याने वह, अहम याने मैं, स याने वो, अहम याने मैं। ओके, कहते ना सोहम सोहम सोहम, वह मैं हूं वह मैं हूं वह मैं हूं। हालांकि सह याने वह, अहम याने मैं, बस इतना सा अर्थ है, वह मैं वह मैं। सोहम तथापि, फिर भी, तथापि याने फिर भी, तब याने आपकी, तब याने आपकी। भक्तिवशान मुनीश, दो शब्द जुड़ गए, दोनों को अलग करेंगे। भक्तिवशात, पहला शब्द क्या है? त हो गया, न का त बन जाएगा, जब जुड़ जाते हैं तो त का न बन जाता है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है, त ख त न। तो वो व्याकरण के कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार त को उसके वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है ना। तो भक्ति वशात प्लस मुनीश, दो शब्द हो गए। भक्ति वशात यानी भक्ति के कारण, भक्ति वशात यानी भक्ति के कारण, भक्ति के वशीभूत होकर, भक्ति से प्रेरित होकर, ये भक्ति वशात का अर्थ है। मुनीश ये यहां संबोधन है, देखिए संबोधन के आगे हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी, बराबर, एक्सक्लेमेटरी हालांकि सरप्राइजिंग के लिए भी यूज होता है, किंतु संस्कृत में संबोधन के लिए यूज होता है, उसे उद्गारवाचक चिन्ह भी बोलते हैं। तो संबोधन यानी भगवान का एक नाम लेकर के हम उन्हें पुकार रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं। सीधे सीधे मान तुंगाचार्य भगवान से बात कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान से ही बात कर रहे थे, और उन्होंने उनको क्या नाम लेकर के पुकारा? मुनीश। क्या पुकारा? ये मुनि भी दो अक्षर से बना है, मुनीश, मुनि प्लस ईश, और जब दो अलग हो जाएंगे तो मुनि का नी छोटा हो जाएगा और ईश का ई बड़ा है, मुनि प्लस ईश दोनों जुड़ जाते हैं तो नी बड़ी बन जाती है, मुनीश, मुनियों के ईश। मुनीश यानी मुनियों के ईश कौन? तीर्थंकर। मुनियों के ईश कौन? जिनेन्द्र, अरिहंत, ये मुनियों के ईश है। तो आदिनाथ भगवान को क्या कह के पुकारा है? हे मुनीश, हे मुनीश, हे मुनियों के नाथ, हे तीर्थंकर, हे जिनेन्द्र। वह मैं फिर भी आपकी भक्ति के कारण, एक एक शब्द का अर्थ हो गया। आगे की पंक्ति, कर्तुम करने के लिए, जैसे पहले काव्य में आया था स्तोतुम, पहले या दूसरे या तीसरे काव्य में आया था स्तोतुम समुद्यतमते, तीसरे काव्य में है ना स्तोतुम, वहां था स्तुति करने के लिए, यहाँ आया है कर्तुम, कर्तुम यानी करने के लिए। क्या? स्तवम, स्तुति, स्तव यानी स्तुति, स्तुति करने के लिए। विगत शक्ति रपि, विगत शक्ति, शक्ति नहीं होते हुए भी, पुनः एक बार वही बात मानपूर्णाचार्य दोहरा रहे हैं किंतु थोड़ा सा अलग शैली में, अलग शब्दों में, अलग दृष्टांत के द्वारा। विगत शक्ति रपि, शक्ति नहीं होते हुए भी, यहां भी संधि हुई है, विगत शक्ति विसर्ग है प्लस अपि, विगत शक्ति प्लस अपि, ये जुड़ गए तो विगत शक्ति रवि बन गया। प्रवृत्त, मैं प्रवृत्त हुआ हूं, मैं रेडी हुआ हूं, मैं तैयार हुआ हूं, क्या करने के लिए? आपकी स्तुति करने के लिए। अपन शब्दों को जोड़ेंगे, वाक्य बनाएंगे, अभी तो शब्दों का अर्थ लिखेंगे। प्रीत्या, अभी एग्जाम्पल है उसमें कह रहे हैं कि प्रीत्या, प्रीति के कारण, प्रीत्या यानी प्रीति के कारण, वहां खंडाकार है,
एपोस्ट्रोफी यस बोलते हैं उसको, उसको संस्कृत में खंडाकार बोलते हैं। खंडाकार का अर्थ है वहां अ है, कौन है, या तो अ होगा या तो आ होगा हमेशा। खंडाकार कभी भी ए के सामने, ओ के सामने या आ के सामने आता है, कहां कहां आता है, और वहां वो अ या आ साइलेंट हो जाता है, दिखता नहीं है। देखो हम नहीं बोल रहे हैं उसे, यदि उसको बोलने लग जाएंगे, आ को बोलने लग जाएंगे तो 15 अक्षर बन जाएंगे। प्रीत्या आत्म वीर्य ऐसा बोल रहे क्या, नहीं, आपको साइलेंट कर दिया और बोल रहे हैं प्रीत्यात्मवीर्य। क्या कह रहे हैं, संधि हो गई, यहां भी संधि हो गई। संधि आपको लिखना है, जैसे आप अर्थ लिख रहे वैसे संधि यहां भी लिखते चले। प्रीत्या प्लस आत्मवीर्यम, तीन शब्द जुड़ गए हैं, तीन शब्द जुड़ गए अलग अलग। प्रीत्या प्लस आत्मवीर्यम प्लस अविचार्य, तीसरा शब्द कौन सा है, अविचार्य, ये तीन शब्द जुड़ गए। प्रीत्यात्मवीर्य अविचार्य, और तीनों को अलग अलग किया तो प्रीत्या प्लस आत्मवीर्यम प्लस अविचार्य, ये तीन शब्द जुड़ गए। प्रीत्या यानी प्रीति के कारण, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, प्रीत्या शब्द का अर्थ। आत्मवीर्यम स्वयं की शक्ति को, आत्मशक्ति आत्मवीर्य स्वयं की शक्ति को अविचार्य, या स्वयं की शक्ति का अविचार्य यानी विचार नहीं करते हुए। आत्मवीर्यम द्वितीय विभक्ति है, कभी को कभी का है, तो आत्मवीर्य यानी अपनी शक्ति का, आत्मवीर्यम यानी अपनी खुद की शक्ति का, अविचार्य विचार नहीं करते हुए। शब्दों का अर्थ लिखिए, मृगी यानी हिरणी, मृगी यानी मृगो करोगे तो क्या होएगा, हिरण, मृगो पुल्लिंग हो जाएगा, मृगी स्त्रीलिंग है, तो हमें यहां लेना है मृगी, मृगी यानी हिरणी। मृगेंद्रम, दो शब्द एक हो गए, संधि हो गई, मृग प्लस इंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र शब्द कैसे बना, मृग प्लस इंद्र, मृग याने हिरण, मृग याने हिरण, और इंद्र हिरणों का राजा, वो कौन, शेर, हिरणों का राजा कौन, तो मृगेंद्र शब्द का अर्थ क्या होगा, शेर। मृगी याने हिरणी और मृगेंद्र याने शेर, तो यहां मृगेंद्र याने शेर हुआ। ना भेदि न भेदि, क्या कह रहे हैं, न भेदि, क्या वह लड़ती नहीं है, अभेदि अभेदि न भेदि, न प्लस अभेदि, दो शब्द एक हुए यहां भी, न नकारात्मक है और अभेदी शब्द का अर्थ है सामना करना, फेस करना, लड़ना। अभेदी यानी, अभेदी यानी सामना करना, न अभेदी यानी सामना नहीं करना। किंतु यहां आगे और शब्द है उनके अनुसार अर्थ लगेगा। किम, किम यानी क्या, किम यानी क्या, क्या सामना नहीं करती, ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है। अभी तो शब्दों के अर्थ लिखो, न याने नहीं, अभेदी याने सामना करना, किम याने क्या, निज शिशो विसर्ग है, कैसे पढ़ेंगे, निज शिशो, निज शिशो अपने शिशु का, निज शिशो याने अपने शिशु का, परिपालनार्थम पालन करने के लिए, परिपालन, परि उपसर्ग लग गया, इसलिए रक्षा करने के लिए, परिपालन याने रक्षा करना, अर्थम याने प्रयोजन, अपने शिशु की रक्षा करने के लिए, परिपालनार्थम याने क्या लिखा, रक्षा करने के लिए। यहां तक शब्दों का अर्थ होगा। अब इन शब्दों को हम मिलाएंगे,
क्या कहना चाहते हैं, देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं। सोहम तथा पितव भक्ति वशानुनीच, कहते हैं कि सब अभी यह काव्य पिछले काव्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मतलब पिछले काव्य का अर्थ लगाओगे तो यह अर्थ समझ में आएगा। स अहम, वह मैं, कैसा मैं, असमर्थ। पिछले काव्य में स्वयं को क्या घोषित किया था उन्होंने, देखिए पिछला काव्य, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांत कांतान कस्ते शम सुर गुरु प्रतिमो विभूषा। बोले हे भगवान, आपकी गुणों का बखान करने के लिए तो बृहस्पति के समान बुद्धि वाला व्यक्ति भी समर्थ नहीं है, तो मैं तो निश्चित ही असमर्थ हूं। तो यहाँ सोहम का अर्थ है वैसा मैं, ऐसा मैं, ऐसा मैं यानी असमर्थ मैं। सोहम शब्द का अर्थ क्या लेंगे यहाँ, वह मैं, और वह मैं का अर्थ क्या पिछले काव्य से, वह यानी असमर्थ, वैसा असमर्थ मैं, अर्थात मैं वैसा असमर्थ होने के बावजूद, तथापि आने फिर भी बावजूद, सोहम तथापि असमर्थ हूं, तथापि आने फिर भी, तब भक्ति वशात आपकी भक्ति के कारण, आपके भक्ति से प्रेरित होकर, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, आपकी स्तुति करने के लिए शक्ति नहीं होते हुए भी प्रवृत्त हुआ हूं। शब्द समझ में आए, अर्थ समझ में आए, वाक्य थोड़ी बनी, वाक्य रचना हुई आपके दिमाग में, वाक्य रचना यहां होती है, अर्थ भी यहीं घुसते हैं। वो तो हम व्यवहार के लिए डायरी पर नोट करते हैं, कहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। तो वाक्य रचना क्या बनी, असमर्थ होते हुए भी मैं, सोहम का अर्थ क्या है, असमर्थ होते हुए भी, तथापि उसके साथ लग गया सोहम तथापि, असमर्थ होते हुए भी मैं, कर्तुं स्तवम स्तुति करने के लिए, किसकी, तव आपकी, आपकी स्तुति करने के लिए, विगत शक्ति रपी शक्ति नहीं होते हुए भी प्रवृत्त प्रवृत्त हुआ हूं, क्यों, भक्ति वशा आपकी भक्ति के कारण, किसके कारण, आपकी भक्ति के कारण मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित हुआ हूं। मतलब आप समझ रहे हैं? क्या कह रहे हो कि मुझ में ना शक्ति है ना बुद्धि है, दोनों में, बुद्धि बल में शक्ति बल में मैं असमर्थ होते हुए भी आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी भक्ति मुझे रोक नहीं पा रही है, मेरी भक्ति के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। सीधी सादी बात क्या करें, मेरी भक्ति के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, और रोक नहीं पाने के कारण मैं आपकी भक्ति या आपकी स्तुति कर रहा हूं। बात समझ में आ गई, कभी कभी हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि किसी की प्रशंसा करने के लिए अपने मुख से शब्द निकल ही जाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। बात समझ गए, ऐसे ही कभी किसी के साथ, किसी से हम डिप्रेस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो हम गाली देने से भी चूकते नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, किसके कारण, मन में जैसा भर जाता है वो वचनों से बाहर निकल ही जाता है, मन में जिन विचारों की अति हो जाती है, जिन मानसिकताओं की अति अपने मन में हो जाएगी, प्रेम भर करके आया तो प्रेम के आवेश में हम कुछ ना कुछ तीन शब्द बोल ही देते हैं, बोल ही देते ना, वो क्यों आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, अंदर इतना प्रेम भर जाता है कि वो तीन शब्द बोलने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही शब्द बोला, मजबूर हो जाना, अपने आप को नहीं रोक पाना, मन में यदि घृणा भर जाती है, द्वेष भर जाता है, तो गालियां देने से भी हम
तो कभी प्रेम भरा है तो कभी द्वेष भरा है। तो जो अंदर भरा है वही बाहर निकलेगा और उसको निकलने से हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मार्कंडेय जी के मन में भक्ति भरी थी और इतनी भरी थी, इतनी चरम सीमा पर थी कि अपने आप को रोक नहीं पाए और भक्तावर जैसा काव्य उनके मुख से बाहर निकला, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। इसके लिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे, देखिए बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ एक रूपक है, रूपक वो दृश्य हमें सामने लाना है। जैसे 12 भावनाओं में हमने वो लाया था ना, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा मन में, वहां एक रूपक लाए थे, सामने दृश्य खड़ा किया था। यहाँ भी एक दृश्य खड़ा करना है और यहाँ पात्र दो हैं, तीन पात्र हैं। कौन से तीन पात्र हैं? एक है हिरण, मृगी, मृगी यानी हिरणी, हिरणी मृगो बोलना ही नहीं, हिरणी बोलना, क्यों देखना। फिर कहते हैं मृगेंद्र यानी शेर, एक जंगल है, शेर है, हिरणी है और तीसरा पात्र है शिशु। कौन है? हिरणी का बच्चा। इन तीनों को सामने लाना है कि सामने शेर है, हिरणी है और हिरणी का बच्चा है। और रूपक यह है कि शेर हिरणी के बच्चे को पकड़ रहा है या पकड़ लिया है। अभी उसने अपने पंजे से हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया है। ऐसे समय में हिरणी क्या करे है? क्या करें? तो आचार्य कह रहे हैं आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार नहीं करके हैं। अपनी शक्ति का विचार करेगी क्या वो? उसको पता है सामने शेर है और शेर से जितना असंभव है, डिफिकल्ट तो नहीं, असंभव है, इम्पॉसिबल। कुछ होता है जो कठिनाई से सिद्ध होता है और कुछ ऐसा होता है होने ही वाला नहीं है, अशक्य अनुष्ठान है, शक्य नहीं है। ये हिरणी जानती है कि मैं शेर से पार नहीं पड़ सकती हूं, फिर भी प्रीत्या, किसके कारण? किसके कारण? उस शिशु के प्रति हिरणी के मन में जो प्रीति है, उसका अपना शिशु है कि नहीं? उसका अपना शिशु है और शिशु के प्रति कितना प्रेम होता है वो आप सभी जानते हो। थोड़ा बच्चा यदि नजरों से ओझल हो जाए तो हमारा मन नहीं लगता है, लगता है क्या? दुनिया के सारे धंधे काम एक तरफ, पहले कौन, हम रसोई भी करते हैं तो 10-25 बार ध्यान किसकी तरफ जाता है? बच्चे की तरफ जाता है। और वो स्कूल में भी है तो यहां बैठकर ध्यान कहां जाता है? कहां जाता है? वो क्या कर रहा होगा? उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, वो किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, कहीं स्कूल छोड़ के बाहर रोड पे तो नहीं आ गया। हम यहाँ बैठे बैठे उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, क्यों? प्रीत्या, इतनी प्रीति जितनी अपने शिशु के प्रति माँ को होती है, बाप से भी ज्यादा किसको होती है? किसको होती है? इसलिए मृगो नहीं मृगी, मृगो यानी हिरण और मुर्गी यानी हिरणी। और प्यार किसको ज्यादा होएगा, हिरणी को या हिरण को? हिरणी को ज्यादा प्यार होगा, इसलिए मृगों की जगह मुर्गी पढ़ना है कि वह हिरणी प्रीत्या, प्रीति के कारण आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार नहीं करते हुए कि न प्रीति, क्या वह शेर का सामना नहीं करती है? करेगी कि नहीं करेगी? क्यों करेगी? निज शिशो परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। अब वाक्य बनाओ, जब हिरणी, जब शेर के हाथ में, शेर के मुख में हिरणी का बच्चा आ जाता है, उस समय हिरणी अपनी शक्ति का विचार नहीं करते हुए परम प्रीति के कारण अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या शेर का सामना नहीं करती? करती है कि नहीं? उसे पता है 100% मैं भी मरूंगा,
किंतु मन में ये दुख लेकर के नहीं मरूंगी कि मेरे बच्चे को वो खा रहा था और मैं डर करके वापिस चली गई, मैं भाग गई। इस फीलिंग के साथ मरने से तो अच्छा है बच्चे की रक्षा करते करते मरूंगी, किंतु बच्चे को बच्चे की जान शेर से छुड़ा के रहूंगी। ये विचार क्या है, ये उसके प्रीत्यात्मक विचार है और ऐसे विचारों के कारण वो उसको बचाती है। क्यों दिया गया ये रूपक दृष्टांत, या ये कह रहे हैं कि हिरणी की जगह मानतुंगाचार्य है, हिरणी की जगह मानतुंगाचार्य है, मृगेंद्र की जगह आदिनाथ भगवान है। हालांकि हिंसक दृष्टांत दिया है किंतु हमें दृष्टांत में घटित करना है, उसको अलग अर्थ में घटित करना है। हिरणी की जगह कौन, मानतुंगाचार्य, शेर की जगह में कौन, आदिनाथ भगवान, और बच्चे की जगह कौन, स्तुति। बहुत बढ़िया, बच्चे की जगह कौन है, स्तुति। अब लगाना है कि भगवान आदिनाथ अनंत गुणों के आगर हैं और उनके गुणों को पार करना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसा होते हुए भी मैं स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, क्यों, भक्त्या, किसके कारण, हिरणी प्रीत्या, मैं भक्त्या, मैं भक्ति के कारण और हिरणी प्रीति के कारण। जैसे हिरणी शेर का सामना कर रही है वैसे मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा हूं। दोनों के लिए काम असंभव है, शेरणी बच्चे को छुड़ा नहीं सकती और मानतुंगाचार्य भगवान के सारे गुणों को पार कर नहीं सकते, फिर भी ये बचाती है और फिर भी मानतुंगाचार्य स्तुति करते हैं। ऐसा एक रूपक दृष्टांत यहाँ दिया गया है और यहाँ हमारे लिए इसके द्वारा बहुत सारे संदेश मिलते हैं, और उन संदेशों में ये संदेश है कि कभी भी भक्ति और आराधना के भाव जब जगते हैं तो हमें अपनी शक्ति का ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आप बहुत विचार करते हो कि अरे अभी तो इतना हो गया, अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब कैसे देख, अभी तो इतना किया, अभी ऐसा, अब और कितना करें। ऐसा विचार भक्ति के आवेश में आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार कहीं कहीं नहीं करना। कौन सी शक्ति का, अभी तो पिछले साल 10 उपवास किए, अब इस साल क्यों करूं। यदि तुम्हारी भक्ति आ रही है उमड़ करके, भावना आ रही है, तो ये विचार करो कि 10 उपवास के बाद 355 आहार हो गए हैं दिन में 2 बार, क्यों नहीं कर सकता मैं। तो कहीं कहीं जैसे तप में, त्याग में और दान में, किसमें, तप त्याग और दान में ज्यादा अपनी शक्ति का विचार करना, नहीं करना ऐसे नहीं, किंतु बहुत ज्यादा नहीं करना। कुछ जाने वाला नहीं है, ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, दान दोगे पैसा बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। इसलिए अधिक विचार ऐसी जगह नहीं करना। और जब हमारे जिन शासन पर उत्सर्ग छाते हैं, हमारे गुरुओं पर, हमारे भगवानों पर, हमारे मंदिरों पर यदि उत्सर्ग होता है तो ऐसे समय पर हमें घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए आत्मविनियम अविचार्य, कैसे, अपनी शक्ति का विचार नहीं करते हुए हमें देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए, भक्ति के लिए तत्पर होना चाहिए, दान के लिए तत्पर होना चाहिए। ऐसे समय ज्यादा विचार नहीं करना। पाप समय निर्मल बनो, धर्म समय बलवान। क्या कहा है, पाप समय निर्बल बनो। कब कमजोर बनना, कब अशक्त बनना, पाप समय, जब पाप करने का समय आता है, जिन कामों के करने से पाप होता है वो काम करने के पहले 1000 बार सोचो कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे राहों में मैं कांटे बो रहा हूं, ये कांटे उगेंगे, एक दिन मुझे चुभेंगे और मुझे रुलाएंगे।
आगे जाकर के रुलाएगी। इसके लिए वो करने के पहले 100 बार 1000 बार सोचो, पाप करने के पहले विचार करना चाहिए, उस समय निर्बल बन जाना चाहिए। किंतु धर्म करते समय बलवान, ज्यादा सोचना नहीं। व्रत में, उपवास में, पूजा में, आराधना में, त्याग में, दान में ज्यादा सोचने की जरूरत, और उल्टा है, पाप अति सहजता से कर रहे हो बिना सोचे समझे बिना विचारे, और धर्म करने के लिए 1000 बार सोच रहे हो, दान देने के लिए बहुत बार सोचते हैं, परामर्श लेते हैं। क्या लेते हैं? पूछ के बताता हूँ, और 3 को पूछूंगा, 4 को पूछूंगा, 10 को पूछूंगा, सबको पूछूंगा, फिर सोचूंगा। ऐसे ही दीक्षा लेने का यदि विचार आता है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वैराग्य भावना यदि अंदर से प्रेरित कर रही है तो दीक्षा का विचार बना लेना चाहिए और उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। 10 को पूछोगे तो 10 के 10 मिलकर तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर देंगे, फिर तुम घर में ही फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है? दीक्षा के विचार है तो गृह त्याग का विचार करो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी जगह पर अपनी शक्ति का विचार नहीं करना। कहां पर? बस एक लाइन याद करो इस काव्य के लिए, मॉरल ऑफ द काव्य, पाप समय निर्बल बनो, धर्म समय बलवान। आज हम सोच नहीं रहे, आज हम बिल्कुल नहीं सोच रहे भविष्य की, आज हम विचार करने और सोचने के लिए राजी नहीं है कि भविष्य में मेरे ये पाप मुझे क्या फल देंगे, वो मुझे कहां ले जाकर के पटक देंगे, ये सोचने के लिए अपन रेडी नहीं है। आज हम हंसते हंसते पाप कर रहे हैं, किंतु यही पाप हमें इतने रुलाएंगे जितने हंसे हो उससे 1000 गुना ज्यादा तुम्हारे लिए रुलाएंगे। इसलिए पाप करने के पहले सोचना चाहिए, धर्म करने के पहले नहीं सोचना। और कौन नहीं सोचता? जिसके अंदर भक्ति है। कौन नहीं सोचता? यदि भक्ति है तो फिर वो अपनी शक्ति का विचार नहीं करता, वो करने लग जाता है। यदि वैराग्य है तो फिर वो 10 लोगों को नहीं पूछता है कि मुझे घर छोड़ना है। जो पूछ रहा है इसका मतलब समझ लो कि ये नौटंकी कर रहा है। क्या कर रहा है? नौटंकी कर रहा है। वैराग्य कुछ नहीं है, बस दिखावा है, क्योंकि जब वैराग्य आता है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वैराग्य होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, और उस समय ज्यादा विचार नहीं होना चाहिए। यही इस काव्य का अर्थ है। भावार्थ लिखेंगे काव्य का, धर्म समय बलवान। काव्य का अर्थ लिखेंगे, हे मुनीश, हे मुनीश, असमर्थ होते हुए भी, असमर्थ होते हुए भी और शक्तिहीन होते हुए भी और शक्तिहीन होते हुए भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए, मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। क्योंकि मेरी भक्ति के कारण, मेरी भक्ति के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। जैसे शेर के मुख में अपने बच्चे को देखकर,
शेर के मुख में अपने बच्चे को देखकर उसकी रक्षा करने के लिए उसके प्रति अत्यंत स्नेह होने के कारण उसके प्रति अत्यंत स्नेह प्रीति होने के कारण हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करते हुए शेर का सामना कर ही लेती है। क्वेश्चन मार्क में लिखना है तो ऐसे लिखो, क्या शेर का सामना नहीं करती? ऐसा लिखो, क्या शेर का सामना नहीं करती? क्वेश्चन मार्क दो और फिर लिखो, अवश्य करती है। इस काव्य का रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो ही जिनाणम झ्रौं झ्रौं नमः। बोलेंगे मेरे पीछे, ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो ही जिनाणम झ्रौं झ्रौं नमः। इस काव्य का और रिद्धि का प्रभाव पुनः एक बार, जैसे कल कहा था वैसे आज भी कहते हैं कि आंखों की और कानों की दोनों की बीमारी को दूर करने के लिए, कल बताया था उसमें आंखों की थी, आज कह रहे हैं कि आंखों की विशेष बीमारी हो। कौन सी? आंखों की यदि विशेष बीमारी हो तो इस काव्य का जाप करते हुए, से कल कहा था वैसे आज भी कहते हैं कि आंखों की और कानों की दोनों की बीमारी को दूर करने के लिए, कल बताया था उसमें आंखों की थी, आज कह रहे हैं कि आंखों की विशेष बीमारी हो। कौन सी? आंखों की यदि विशेष बीमारी हो तो इस काव्य का जाप करते हुए, बतासा होता है, बतासा होता है ना, शक्कर का बतासा, शक्कर का बतासा, उसको पानी में घोल देना चाहिए और घोलकर इस काव्य से, इस रिद्धि से अभिमंत्रित करके उसको आंखों में लगाना चाहिए या उसको पी लेना चाहिए, तो इससे आंखों का इलाज होता है। प्लस रिद्धि मंत्र का प्रभाव यह है, कर्ण रोग विनाशनम भवे, कानों की बीमारी ठीक हो जाती है। कौन सी बीमारी? ये आपको एक वाक्य में लिख लेना है कि इस काव्य और रिद्धि के प्रभाव से आंखों की और कानों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इतना ही रखें, करेंगे स्तुति।